सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन गाइस, माय सेल्फ रितेश सिंह राव, बीटेक स्टूडेंट एट आईआईटी रुड़की, और आ चुका हूँ आप सभी के बीच में वापस एक बहुत ही अमेजिंग ब्लॉग को लेकर के। तो यार दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी, काफी लंबे समय के बाद में आपके इस चैनल के ऊपर जो है आपको एक ब्लॉग मिलने जा रहा है, परंतु उसके पीछे यार कुछ स्पेशल रीजंस है। मेरे एंड टर्म एग्जामिनेशंस है जो है वो आ रहे हैं, 4 दिन बाद में बिल्कुल मेरे एंड टर्म एग्जामिनेशंस है, ठीक है। और काफी ज्यादा टेंशन चल रही है यार कि क्या सीजी आएगी, क्या कुछ होगा, कहीं सीजी गिर ना जाए। असाइनमेंट्स वगैरह किए जा रहे हैं रात की 4-4, 5-5 बजे तक, ट्यूटोरियल्स किए जा रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह कंप्लीट करी जा रही है। तो काफी हेक्टिक लाइफ जो है चल रही है अभी। परंतु इस बीच मैंने पाया कि यार एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के ऊपर जिसका नाम है 9 पॉइंटर, जहां पर आपको ये सभी जो टेंशन है वो सभी आपकी टेंशन जो है बिल्कुल एकदम आपको रिलैक्स हो जाएंगे आप बिल्कुल, और आपकी सभी टेंशन जो है खत्म होने वाली है। क्योंकि 9 पॉइंटर इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर आपको IITs और NITs के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर मास्टरी जिनकी है, जिनके जो बेस्ट टॉपिक्स वगैरह है, ठीक है, वो वहां पर आके पढ़ा रहे हैं, और IITs और NITs से हाईली क्वालिफाइड टीचर्स जो है उन टीचर्स से पढ़ने के बाद में वो स्टूडेंट जो है यहाँ पर आके अपना ज्ञान बांट रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये एब्सोल्युटली फ्री है और आप सभी के लिए अवेलेबल है। सो मेक श्योर कि आप में से भी अगर किसी की हालत मेरे जैसी है, जिसको अकेडमिक से लेकर थोड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है और टेंशन है, वरीज है, आपकी अगर किसी प्राइवेट कॉलेज को हो, आप किसी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के हो जहां पर आपको IITs और NITs जैसे प्रॉफ्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत की बात है। हमको तो यार जैसे हमारे तो प्रॉफ वगैरह पढ़ाते हैं, हमको तो नोट्स वगैरह ही पढ़ने की जरूरत है, हमारा काम तो हो जाएगा, परंतु बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज जो है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जो है, वहां पर तो क्लासेस भी रेगुलरली नहीं लगती, प्रोफेसर क्लास में नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में पढ़ना जो है काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। परंतु चिंता की कोई बात नहीं है, 9 पॉइंटर इज अ प्लेटफॉर्म हियर अवेलेबल विथ यू। YouTube पे जाइए जल्दी से, अगर आप एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है, अगर आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए 9 पॉइंटर के, और फटाफट से उसके टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर दीजिए जहां पे आपको रेगुलरली अपडेट्स मिल रहे होंगे, और जो IITs और NITs के टॉप स्टूडेंट्स हैं जो अपने अकेडमिक्स के अंदर 9 CG+ स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, जो एकदम अपने अकेडमिक्स के अंदर फोड़ रहे हैं, वो सभी वहां पे आपको पढ़ा रहे होंगे। IIT रुड़की के भी काफी सारे सीनियर्स और जूनियर्स जो है सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर के, वो वहां पर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं, और ऐसे ही सिमिलरली IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास के डिफरेंट स्टूडेंट्स जो है, जो टॉपर्स हैं, वो वहां पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। सो इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी अकेडमिक टॉपर और अपना आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो अकेडमिक्स के अंदर, तो मेक श्योर कि आप 9 पॉइंटर को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और चलिए यार आगे चलते हैं, और इस भवन डे के ब्लॉग को आज आप एंजॉय कीजिए अच्छे से, ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, और चलो एंजॉय करते हैं ब्लॉग यार। हेलो दोस्तों, सो मैं विदेश सिंह राव, बीटेक स्टूडेंट एट IIT रुड़की, और आ चुका हूँ आप सभी के बीच में वापस एक बहुत ही धुएंदार और मजेदार ब्लॉग लेकर के। तो यार आज का ब्लॉग जो होने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज है राजेंद्र भवन का भवन डे, और भवन डे की प्रिपरेशन काफी जोरों शोरों से चल रही है यहाँ पे पिछले कुछ 2 दिनों से। मैंने आपको एक शॉर्ट अपलोड किया था, उसके अंदर आपको दिखाया भी था कि काफी अच्छे से लाइटिंग वगैरह करी जा रही है यहाँ पर, और काफी मस्त तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन वगैरह चल रही है, काफी सारी आर्ट्स, पेंटिंग्स, ड्रॉइंग्स वगैरह बनाई गई है, काफी सारी परफॉर्मेंस तैयार करी जा रही है, ड्रम म्यूजिक ड्रामा सब कुछ होने वाला है यहाँ पर। तो आज के ब्लॉग में आने वाला आपको बहुत ही ज्यादा मजा, परंतु अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो और पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के बीच में, क्योंकि ये अमेजिंग ब्लॉग जो है वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ आपके लिए है, आपको और किसी कंटेंट ऐसा कंटेंट जो है किसी और चैनल पर नहीं मिल रहा होगा। तो चलो यार जल्दी से शुरू करते हैं ब्लॉग, और लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। तो चलो यार नीचे चलते हैं, परंतु आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, आप काफी ज्यादा इस ब्लॉग को एंजॉय करने वाले हो, और अभी यहाँ पे हमारा रूममेट भी है, चलो यार इनसे पूछते हैं कितने ज्यादा एक्साइटेड है ये। तो हेलो हेमंत भाई। हेलो भाई। हेलो गाइस, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत टाइम बाद भवन डे आया अपने भवन का, और आज मजा आने वाला है, सही में ड्रामा है, म्यूजिक नाइट है, सब कुछ है। तो यार देखो हेमंत भाई बोल रहे हैं बहुत ज्यादा मजा आज आपको आने वाला है, ठीक है, तो बने रहिए इस ब्लॉग के अंदर और जल्दी से आपको ले चलते हैं। गाइस हम हो चुके हैं भवन डे के लिए रेडी, और बिल्कुल अभी चलते हैं फटाफट से अपन, पूरा मतलब भवन जो है बिल्कुल एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया गया है पूरे भवन को, और काफी अच्छा लग रहा है, काफी सुंदर लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी बाहर जाके कैसा कुछ है सीन, क्या कुछ चल रहा है भवन के अंदर, जल्दी से हम चलते हैं बाहर। और मीनवाइल मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा, तो चलो यार जल्दी से चलते हैं और देखते हैं राजेंद्र का भवन डे में क्या कुछ हलचल चल रही है, क्या कुछ, और बहुत मजा आने वाला है यार, मतलब आज आपको इस भवन डे के अंदर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, चलो जल्दी से बाहर चलते हैं, मेरा टाइम वेस्ट किया।
आयुष भाई डेकोरेशन वगैरह तो आप सभी ने देख ही लिए होंगे यार। और यहाँ पर हम बाहर आ चुके हैं, भीड़ काफी ज्यादा हो चुकी है यहाँ पे, ऑलमोस्ट सभी बच्चे अभी आ चुके हैं। और यार यहाँ पर अभी ये सी ब्लॉक वाला लॉन है और यहाँ पर स्टार्टर्स वगैरह जो हैं वो मिल रहे हैं, मंचूरियन है, पनीर चिली है, फ्रेंच फ्राइज है और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं यार यहाँ पर, ठीक है। परंतु भीड़ काफी ज्यादा है इसलिए हम सही से यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम बात करें खाने की तो खाना आपको सीधे मेस के अंदर मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी यार स्टार्टर्स के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे आइसक्रीम का कोन भी है, ठीक है, और यहाँ पे आपको पान भी मिल रहा है या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी है। तो काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट वगैरह की गई है और काफ़ी अच्छे स्टार्टर्स वगैरह यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और ये रहा यार हमारा मेस जहाँ पर हमें खाना मिल रहा होगा स्टार्टर्स के बाद में। तो लाइटिंग वगैरह तो आप सभी ने देख ली है, डेकोरेशन काफ़ी अच्छा किया गया है। अब हम खाना खा लेते हैं, थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद में सीधे चलेंगे डांस पार्टी की तरफ जो म्यूजिक नाइट ऑर्गेनाइज करी गई है और डांस ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो ये रहा था यहाँ पे नॉनवेज और अभी हम बढ़ते हैं, हम तो यार वेज खाने वाले हैं, ठीक है। सो वेज की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से अपनी प्लेट तैयार करते हैं। पनीर की सब्जी है और यहाँ पर काजू का कुछ हलवा टाइप कुछ है यार, ये आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। और यहाँ पर खीर है, पूरी है, बटर नान आपको मिल जाएगा। तो ये सब था यार खाने में। बाहर आ चुके हैं अब हम और बढ़ रहे हैं डांस पार्टी की, और खाने के बाद में डांस थोड़ा सा कर लेते हैं, खाना पच जाएगा यार, ठीक है। तो चलो अब जल्दी से बढ़ते हैं डांस पार्टी की तरफ। डेकोरेशंस काफ़ी अच्छी है दोस्तों यार, काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ेदार नाइट है, ठीक है। और इस साइड यार ये है वीआईपी डिनर, ठीक है। तो वीआईपी गेस्ट वगैरह के लिए डीन्स, डायरेक्टर, प्रोफेसर वगैरह जो भी आ रहे हैं आज गेस्ट, उन सभी के लिए डिनर इधर है। और हमारा म्यूजिक नाइट या डांस इवेंट का जैसे हम बोल सकते हैं, और यहाँ पर आज रात की 12 बजे तक डांस वगैरह चलने वाला है और काफी ज्यादा मजा जो है आने वाला है। तो चलो यार डांस एंजॉय करते हैं, आई होप आप भी इस ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। जल्दी से डांस वगैरह शुरू करते हैं। तो यार फाइनली भवन डे का जो इवेंट है वो ख़त्म होने जा रहा है, रात के 12 बज चुके हैं यार, और नाच नाच के एकदम बुरा हाल हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आज के इवेंट के अंदर। आई होप आप सभी ने भी ब्लॉग जो है काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा, काफ़ी मस्त आपको बहुत मज़ा होगा। और यार जो है वो नेक्स्ट लेवल, आप देख सकते हैं तेरह से दो हज़ार के ऊपर लाइट के ऊपर फेंके जा रहे हैं और सभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो यार आज के ब्लॉग में इतना ही, ठीक है, मिलते हैं ब्लॉग का नेक्स्ट। See you, have a good day, bye bye, all the best for your preparation, और सभी जेई मेंस फोड़ के आना है।